जब 2008 के स्टॉक मार्केट क्रैश में एक तरफ सारे इन्वेस्टर्स को भारी लॉस हो रहा था, तो वहीं काइल बास नामक ट्रेडर ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए बनाए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि काइल बास ने शॉर्ट सेलिंग की थी। अब सवाल है कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और क्या शॉर्ट सेलिंग करना हमेशा फायदेमंद होता है? आज हम इस वीडियो में इन दोनों सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। trueinvesting.in हमारा ब्लॉग है जो इन्वेस्टिंग पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारा ब्लॉग जरूर विजिट करें। आइए चलते हैं पहले सवाल पर, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? दोस्तों, हम जनरली स्टॉक मार्केट में पहले शेयर बाय करते हैं और फिर जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसे सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। पर दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग में हम शेयर्स को पहले सेल करते हैं और जब उसकी प्राइस कम हो जाती है तो उसे बाय करके प्रॉफिट कमाते हैं। किसी शेयर की शॉर्ट सेलिंग तभी की जाती है जब हमें लगता है कि उस शेयर की प्राइस बहुत जल्द नीचे जाने वाली है। आइए इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं इन्फोसिस की एक शेयर की प्राइस 100 रुपये है और हमें लगता है कि इन्फोसिस के शेयर की प्राइस नीचे जाने वाली है। ऐसे में क्लियर है कि हम प्रॉफिट के लिए इन्फोसिस के शेयर को तो बाय नहीं करना चाहेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे कि इन्फोसिस के शेयर की प्राइस नीचे जाने से हमें प्रॉफिट हो? दोस्तों, ऐसे में हम ये करेंगे कि अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाकर इन्फोसिस के शेयर को सेल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम शेयर्स को बिना ऑन किए भी सेल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रोकर्स हमें शेयर्स उधार दे देते हैं, पर दोस्तों हमें फिर उधार लिए शेयर्स को वापस बाय करके एक फिक्स टाइम के अंदर अपने ब्रोकर को लौटाना भी होता है। तो ये मानते हुए कि इन्फोसिस की शेयर प्राइस नीचे जाएगी, हमने इन्फोसिस के 1000 शेयर्स को अपने ब्रोकर से उधार लेकर सेल कर दिया। और क्योंकि इन्फोसिस के एक शेयर की प्राइस है 100 रुपये, इसलिए हमने 100 × 1000 = 1,00,000 रुपये की सेलिंग की। और मान लेते हैं कि इन्फोसिस की प्राइस एक्चुअल में 100 से 10 रुपये नीचे जाकर 90 रुपये आ गई और फिर हमने इन्फोसिस के वही 1000 शेयर्स 90 रुपीज पर शेयर के प्राइस पर बाय कर लिया, जिसमें हमने टोटल 1000 × 90 = 90,000 रुपये लगाए। तो दोस्तों, यहाँ हमने 1000 शेयर्स उधार लेकर 100 रुपये के रेट से सेल किया और फिर वही 1000 शेयर्स हमने 90 रुपये के रेट पर बाय करके वापस कर दिया। तो यहाँ पर हमें ऐसा करने से हर शेयर पर 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और क्योंकि हमने 1000 शेयर्स शॉर्ट सेल किए थे, इसलिए हमें टोटल 1000 × 10 = 10,000 का प्रॉफिट हुआ। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग यही होती है, जब हम किसी चीज़ को हाई प्राइस पर सेल करके लो प्राइस पर बाय करते हैं और सेल और बाय प्राइस के बीच का डिफरेंस ही हमारा प्रॉफिट होता है। दोस्तों, ये ध्यान रखें कि शेयर्स में शॉर्ट सेलिंग जनरली इंट्राडे में ही होती है और थोड़ी लंबी शॉर्ट सेलिंग हम डेरिवेटिव्स में ही कर सकते हैं, पर दोस्तों लॉन्ग टर्म बेसिस पर शॉर्ट सेलिंग नहीं होती। आइए अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर, क्या शॉर्ट सेलिंग करना हमेशा फायदेमंद होता है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, और ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग करना आपके वेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। आइए इसे हम अपने एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मान लेते हैं हमने इन्फोसिस के शेयर को 100 रुपये पर सेल किया और शेयर की प्राइस 10% नीचे आने के बजाय 10% ऊपर चली जाए, तो हमने इन्फोसिस के वही 1000 शेयर्स जो हमने 100 रुपये पर सेल किए थे, उसे हमें 110 रुपये की प्राइस पर बाय करके अपने ब्रोकर को लौटाना होगा और इसमें हमें हर शेयर पर 10 रुपये का लॉस होगा और टोटल 1000 शेयर पर 10,000 का लॉस होगा। और अगर शेयर की प्राइस 110 रुपये की बजाय 120 रुपये चली जाए, तो हमें हर शेयर पर 20 रुपये का लॉस होगा और टोटल 1000 शेयर पर 20,000 रुपये का लॉस होगा। इसी तरह शॉर्ट सेलिंग में शेयर प्राइस हमारे सेल प्राइस से बढ़ती जाएगी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता जाएगा क्योंकि हमें शॉर्ट सेल किए हुए शेयर्स को बाय करके वापस ब्रोकर को देना होता है। और हमारी मजबूरी होती है कि शॉर्ट सेल करने के बाद शेयर की जो भी प्राइस चल रही होती है, हमें उसी प्राइस पर शेयर को बाय करना पड़ता है। दोस्तों, जब हम शेयर को बाय करते हैं तो हम मैक्सिमम अपनी इन्वेस्टमेंट का 100% ही लूज कर सकते हैं, पर हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है। पर जब हम शेयर की शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम 100% ही हो सकता है और हमारा लॉस पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम इन्फोसिस के एक शेयर 100 रुपये पर बाय करें तो हमें मैक्सिमम लॉस 100 रुपये का ही हो सकता है, जब इन्फोसिस के शेयर की प्राइस 0 हो जाए। पर जैसे ही शेयर की प्राइस 100 से ऊपर जाएगी, हमें प्रॉफिट होगा। शेयर की प्राइस 100 से 200, 300, 500, 5000 कितनी भी जा सकती है और इसलिए हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। पर जब हम इन्फोसिस का एक शेयर 100 रुपीज़ पर शॉर्ट सेल करते हैं, तो हमें प्रॉफिट तब होगा जब शेयर की प्राइस 100 से कम होगी और शेयर की प्राइस 100 से ज़्यादा कम होकर 0 तक ही जा सकती है। और ऐसे में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 100 रुपये का ही हो सकता है, जब इन्फोसिस के शेयर की प्राइस 0 हो जाए।
पर दोस्तों जैसे ही शेयर की प्राइस 100 से ऊपर जाएगी हमें लॉस होने लगेगा, और शेयर की प्राइस 100 से 110, 150, 200, 500 कितनी भी जा सकती है, और इसलिए हमें शॉर्ट सेलिंग में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसी वजह से दोस्तों शॉर्ट सेलिंग बहुत ध्यान से और समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सही हुए तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, पर अगर आप गलत हुए तो आपका लॉस कितना भी बड़ा हो सकता है। और इसी वजह से शॉर्ट सेलिंग सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स में ही होती हैं, हम लॉन्ग टर्म में डायरेक्टली स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो शॉर्ट सेलिंग के ऊपर। इसमें हमने जाना कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और क्या शॉर्ट सेलिंग करना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सवालों का जवाब देंगे अपने Q&A वीडियो में। हमारे आगे आने वाले वीडियोस मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।